हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। अभी हाल ही में एसएससी जेई के लिए बहुत हलचल चल रही है यूट्यूब पे, तो चलिए आज हम डायरेक्टली इंजीनियर्स एकेडमी के फैकल्टी रूम में चल के देखते हैं कि अंदर क्या माजरा चल रहा है एसएससी जेई मेंस एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों फॉलो मी। कुछ सीरियस काम चल रहा है यहाँ पे। सर आपका एक मिनट ले सकता हूँ अगर आपको डिस्टर्ब ना हो तो? बताइए सर ये क्या चल रहा है, मतलब ये क्या कर रहे हैं सर आप? सर ये एसएससी जेई मेंस का जो अपना संडे को टेस्ट कंडक्ट किया गया था उसकी कॉपियां चेक हो रही है। तो सर ये इतना सारा ये बंडल क्या है सर, और सब बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? सर ये जो अपना संडे को टेस्ट होता है इसमें हजारों बच्चों ने टेस्ट दिया था, तो ये कॉपियां तो कुछ भी नहीं है, ऐसे बहुत सारे बंडल है जो हमें चेक करने हैं और इंजीनियर्स एकेडमी की पूरी टीम लगी हुई है इन कॉपियों को चेक करने के अंदर। ओके, और सर ये आप क्या कैंडी क्रश या अमेजोन प्राइम? ओह नहीं सर, आप भी कुछ चेक कर रहे हो सर? यस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं भी कॉपीज चेक कर रहा हूँ। जो भी कॉपीज ऑनलाइन हमारे पास आती है, जैसे कि हमारे एकेडमी ने दोनों ही मोड रखे हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, जो भी स्टूडेंट्स सेंटर पे नहीं जा पाते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है नहीं जा पाते हैं, तो वो ऑनलाइन अपनी कॉपीज को भेजते हैं। तो सर मतलब ऑनलाइन अगर कोई बच्चा दे रहा है तो वो घर पे बैठे बैठे टेस्ट लिख लेगा? डेफिनेटली सर, अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन वो अपना कॉपी में भर सकता है, अपना कॉपी पूरी लिख सकता है, और उसी टाइम वो ऑनलाइन ही हमें भेज सकता है। अपलोड कर देगा वो? अपलोड करना है, बिल्कुल अपलोड करना ऑनलाइन, और जैसे ही अपलोड करेगा हमारे पास कॉपी आ जाएगी, हम उसे ऑनलाइन ही चेक कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ टैब्स एंड ऑल, तो उसको अच्छे से हम चेक करके उसमें रिमार्क्स भी उनको देके और हम वापस उनको रिसेंड करते हैं। तो अभी आप सर ये किसी बच्चे की कॉपी चेक कर रहे थे? यस बिल्कुल, मेरा सब्जेक्ट प्रोडक्शन है तो मैं प्रोडक्शन की कॉपीज चेक कर रहा हूं। तो बच्चा सर कैसा, ये अच्छा बच्चा था या बहुत इंप्रूवमेंट इसमें? ये बिल्कुल काफी इंप्रूवमेंट है, जैसे कि कई सारे मॉक टेस्ट अभी तक हो गए हैं तो रिपीटेटिवली बच्चे देते हैं तो उनमें काफी इंप्रूव, हम रिमार्क भी लिखते हैं हर कॉपीज में, तो रिमार्क को देखते हुए अगला टेस्ट आता है तो डेफिनेटली वो अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज करते हैं और हम और अपने मार्किंग इंक्रीज करते हैं। यस ओके। तो सर एक मैंने सुनने में आया था कि कुछ दिनों बाद एक बहुत मेगा मॉक टेस्ट होने वाला है एसएससी जेई मेंस के लिए, तो उसमें तो इससे भी ज्यादा बच्चे आएंगे और हजारों बच्चे आने वाले हैं, तो सर उतनी सारी कॉपियां कैसे चेक होंगी सर? ये सर यही तो बात है, इसी के लिए एक मीटिंग चल रही है जो कि हमारा एचओडी सर कर रहे हैं, तो आप उन्हीं से पूछिए। ओके सर ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं एचओडीज के पास जहां पे हमें एक्चुअल माजरा पता चलेगा कि क्या चल रहा है। ओहो लग रहा है यहाँ पे तो कुछ खुफिया मीटिंग हो रही है। हेलो सर कैसे हैं आप सब? सर हमें खुफिया सूत्रों से ये पता चला है कि एसएससी जेई मेंस के लिए कुछ खुफिया मीटिंग चल रही है यहाँ पे, तो सर कुछ बताइए क्या चल रहा है यहाँ पे? सर बिल्कुल खुफिया मीटिंग चल रही है, आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर चारों लोगों को। तो यहाँ पर हम एसएससी जेई को, आपको पता है कि एग्जाम 26 फरवरी को होने वाला है और अभी ओनली 15 दिन बाकी है, तो इन 15 दिन में स्टूडेंट किस तरह तैयारी करे, किन किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या गलतियां नहीं करनी है, उसके लिए हम एक लाइव सेशन प्लान कर रहे हैं। तो सर ये लाइव सेशन मतलब कहाँ पे होगा और कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? सर ये लाइव सेशन निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर होने वाला है और ये लाइव सेशन थर्सडे को, फ्राइडे एंड सैटरडे को होने वाला है। थर्सडे को मैकेनिकल का, फ्राइडे को इलेक्ट्रिकल का एंड सैटरडे को सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का होने वाला है। और ये लाइव सेशन सभी स्टूडेंट फ्री ऑफ द कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन कर सकता है और ये लाइव सेशन शाम को 8 बजे होने वाला है। इस लाइव सेशन में आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ उबहू कराया जाएगा और वो आपको बताएगा किस सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और किन सब्जेक्ट पे क्या गलतियाँ नहीं करनी है, कहाँ गलतियाँ होने के चांस रहते हैं, कहाँ हमको फोकस ज़्यादा करना है, इन सब के बारे में बताना है। तो सर जो इंजीनियर्स एकेडमी का एनरोल्ड स्टूडेंट नहीं है क्या वो भी इसका फायदा उठा सकता है? बिल्कुल सर, यूट्यूब है सबके लिए फ्री है। अच्छा यूट्यूब पे सबके लिए फ्री चलेगा? बिल्कुल सर। ये तो बहुत ही शानदार बात है सर। बिल्कुल सर। सर एक और चीज मैंने सुनने में आई थी कि कोई मेगा मॉक टेस्ट करके कुछ चीज है, ये क्या चीज है सर? सर यही तो खुफिया मीटिंग चल रही है और इस खुफिया मीटिंग या इस बात के लिए आपको पाटीदार सर ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, तो चलिए चलते हैं पाटीदार सर के पास। हेलो पाटीदार सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर। तो सर हमें कुछ सूत्रों से पता चला है कि कोई मेगा मॉक टेस्ट करके चीज है एसएससी जेई मेंस एस्पिरेंट्स के लिए, तो सर ये क्या है इसके बारे में सर कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए। सर इसकी शुरुआत हुई थी संपूर्ण तैयारी एक्सप्रेस से, उस टाइम हमने जब प्री का एग्जाम हुआ था बच्चों का तब भी हमने बच्चों के लिए एक मॉक पेपर करवाया था फॉर एसएससी जेई प्री और उसमें बच्चों का रिस्पॉन्स जबरदस्त रहा था और फिर बाद में जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनकी डिमांड आई थी कि सर हमारे लिए भी कुछ आप लेकर के आइए, तो हमने उसी पर बेस्ड इस बार एक टेस्ट पेपर रखा है जो बच्चों के लिए एक मेगा मॉक टेस्ट पेपर होने वाला है और इसकी जो डेट हमने रखी है वो 19 फरवरी है और ये सर ऑफलाइन है बच्चों के लिए 19 फरवरी को, लेकिन 19 को कुछ बच्चों का एग्ज़ाम भी है ईएसी का, तो जो बच्चे ईएसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो 20 फरवरी को 12 बजे तक
इस एग्जाम को ऑनलाइन मोड में दे सकते हैं। मतलब यहाँ ऑनलाइन भी बच्चा दे सकता है मॉक टेस्ट और ऑफलाइन भी, वो भी कन्वेंशनल एग्जाम? सर बिल्कुल, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल रहेगा। सर ऐसे तो फिर पूरे देश भर के बच्चे देने लग जाएंगे, तो सर कॉपियां कैसे चेक करेंगे सर आप? सर देश भर के बच्चे देंगे, प्लस हमारे सभी ऑफलाइन सेंटर्स के अंदर भी बच्चे इस टेस्ट को दे सकते हैं ऑफलाइन जाकर के, और जो बच्चा जहां पर हमारा सेंटर अवेलेबल नहीं है वहां पर बच्चा इसको ऑनलाइन मोड में पूरा दे सकता है। तो सर कॉपीज कितने दिन में चेक करके आप वापस बच्चों को रिवर्ट बैक कर देते हैं? सर एक्चुअली सर से डिस्कशन मेरा यही चल रहा था कि जब इतने सारे बच्चे आने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया के, तो कॉपी हम किस तरीके से चेक करेंगे, तो सर ने ही कुछ कंक्लूजन बताया था, तो विनय सर ही बताएंगे। तो चलिए अब चलते हैं विनय कुमावत सर के पास, जो हमें बताएंगे कि कितने सारे बच्चे अब जो मॉक टेस्ट देने वाले हैं इनकी कॉपीज चेक करने के लिए क्या जुगाड़ लगा है। सर जैसा कि आपको पता है कि लगभग 5,000 से ज़्यादा बच्चे अभी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब ये जो मॉक टेस्ट होने वाला है इसमें हमें लग रहा है कि 9,000 से 10,000 बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड रहने वाला है। तो अभी भी हमारी 2-3 टीम ऐसी है जो कॉपीज़ चेक कर रही है, पर 19 तारीख के लिए बहुत सारी कॉपीज़ आने वाली है, तो मैन पावर हमारे पास में इतना सफिशियंट है कि हम वो कॉपीज़ को 2 से 3 दिन, मतलब मैक्सिमम 3 दिन तक हम उस कॉपी को चेक करवा के स्टूडेंट को वापस रिवर्ट कर देंगे, जिससे कि स्टूडेंट उस कॉपी को देखे, उसमें कहाँ गलती हो रही है उस बात को समझ जाए, और उसके बाद भी उसके पास 2 से 3 दिन रहेगा। 2 से 3 दिन के बाद में 2 से 3 दिन के अंदर अंदर वो क्या कर सकता है, उनमें जो भी कमियां रही है, इंप्रूवमेंट जो करना चाहिए उसे, वो सारी चीज़ें करेगा। तो मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन के अंदर हम कॉपीज़ वहाँ पर वापस रिटर्न कर देंगे। इसके लिए अभी फाइनलाइज करना है हमें 2-3 चीज़ों को, उसके लिए मीटिंग चल रही है बेसिकली। तो सर ये जो मॉक टेस्ट होने वाला है 19 तारीख को, ये मतलब प्रोसीजर क्या है, बच्चे एनरोल कैसे कर सकते हैं, और कौन कौन बच्चे एनरोल कर सकते हैं, और फीस कितनी लगेगी? सर वैसे तो इस सब चीज़ों के लिए बहुत सारे वीडियोस निम्बस पे, लेकिन फिर भी डिटेल में आपको नरसिंह सर बताएंगे कि सर क्या प्रोसीजर है, एक बार आप स्टूडेंट्स को बताएं। तो चलते हैं नरसिंह सर के पास, जो हमें बताएंगे 19 फरवरी को होने वाले इस मेगा मॉक टेस्ट के बारे में। सर बिल्कुल सर, सारी बातें बच्चों ने सुनी और शायद उनको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर ये पेपर दे कैसे, तो उसके लिए देखिए आपको करना क्या होगा, सिंपल सा ये जो वीडियो है जो आप देख रहे हैं अभी, इसमें आपको गूगल फॉर्म अटैच्ड है, उसको सिंपली भरना है, उसको डाउनलोड भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको अपना नाम और अपनी ब्रांच लिखनी है, एक दो और इंट्रीज होगी जिसको आपको फिल करना है, और उसके बाद आप इस पेपर के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो ये प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल सा है, आप चाहे ऑनलाइन देना चाहें ऑफलाइन देना चाहें, दोनों के लिए आपको क्या करना होगा, कहीं ना कहीं बस इस फॉर्म को भरना है। तो सर जो स्टूडेंट ऑनलाइन देना चाहता है, जो नहीं जा पा रहा सेंटर पे, या जो बच्चा सेंटर पे जाके देना चाह रहा है, दोनों के लिए यही गूगल फॉर्म है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में? बिल्कुल सर, दोनों के लिए सेम है। अगर आप गूगल फॉर्म भरते हैं इसका मतलब आप रजिस्टर्ड हो गए, और आप उसके लिए चाहे जो नियर बाई सेंटर है वहाँ पे जाके आप दे सकते हैं, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए सेम ही फॉर्म। सर ये तो बहुत ही शानदार बात है, क्योंकि इंडिया के कोने कोने से जो बच्चा अभी एसएससी जेईई मेंस का एग्जाम देने वाला है उसको मॉक टेस्ट की जरूरत तो है ही। अब जो बच्चा सेंटर पे नहीं जा पाता किसी भी वजह से, वो घर बैठे बैठे भी प्रिपेयर कर पा रहा है। अब सर एक बहुत बड़ा सवाल कि सर इसमें फीस कितनी लगेगी, क्योंकि हर किसी के लिए अफोर्ड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है ये मैटर करता है, तो सर फीस कितनी लगेगी इस मॉक टेस्ट? देखिए फी की अगर बात करें तो हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हो कि हम कुछ फी लेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से फ्री है। पूरी तरह की मतलब कोई चार्ज नहीं है? कोई चार्जेस नहीं है, इवन ऑफलाइन आप आएंगे तो उसके लिए भी हम कॉपी देंगे आपको, पूरी तरह से फ्री है। और केवल बस ये है कि जो बच्चे हमारे पेपर देने जा रहे हैं उनको एक बढ़िया से कॉन्फिडेंस मिल जाए, उसके लिए हम लोगों ने इसका कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है। जैसा विनय सर ने बोला है कि हम बहुत ही जल्द, मतलब जो मिनिमम टाइम होगा 2-3 डेज में सर हम रिजल्ट भी अनाउंस कर देंगे, ताकि अपने आप को रीचेक भी कर पाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए हम लोग बहुत रात दिन मेहनत कर रहे हैं और इसको बहुत ही सक्सेसफुल बनाने वाले हैं। तो बस आप गूगल फॉर्म भरें और आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड के लिए पूरी तरह से फ्री। यस थैंक यू सर। तो देखा दोस्तों इतनी सारी चीजें मिल रही हैं एसएससी जेईई मेंस एग्जाम के लिए, लाइव सेशंस होंगे ब्रांच वाइज थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, उसके बाद हमारा एसएससी जेईई का मेगा मॉक टेस्ट होगा बिल्कुल फ्री इंडिया के कोने कोने से। अगर आप एसएससी जेईई मेंस का एग्जाम देने वाले हैं तो ये मॉक टेस्ट है आपके लिए, इसके लिए जल्द से जल्द एनरोल करें, इसका गूगल फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.